हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स मार्च 2024 के। ये 01 लेक्चर रहेगा इस सीरीज का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन किसका मिशन है? इसरो का मिशन है। इसको लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है? GSLV MK3। इसको LVM3 भी कहते हैं। 3-स्टेज हैवी लिफ्ट व्हीकल आई। इंडिया का मिशन है ये। 3-डे मैंड मिशन है टू लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर तक जाएगा ये हाइट में। तो गगनयान मिशन इंडिया का, इसरो का मिशन है, जिसमें व्हीकल है GSLV MK3 और 3-स्टेज हैवी व्हीकल है ये। 3 दिन का मैंड मिशन है। और इसमें कितने एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं? 4 एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं। उनके नाम है पी बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर एस शुक्ला। ये एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, 4 एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बींग ऑर्गेनाइज। 2024 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हो रही है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होती क्या है? ये एनुअल ट्रेड फेयर होता है, एनुअल ट्रेड शो होता है मोबाइल कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज शो करती हैं कि हमने क्या क्या किया, किस फील्ड में मोबाइल को लेके किया हुआ है। ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्टार्ट हुई थी 1987। मेन थीम था इस साल का फ्यूचर फर्स्ट। तो इंडिया में से सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन डॉक्टर नीरज मित्तल यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। और कहाँ पे हुआ ये? बार्सिलोना स्पेन। तो नेक्स्ट आ जाता है स्पेन। स्पेन के बारे में बात करते हैं तो स्पेन एक कंट्री है यूरोप में। तो इसके ईस्ट वाली साइड प्रेजेंट है मेडिटेरेनियन सी, और इसके वेस्ट वाली साइड प्रेजेंट है पुर्तगाल, और ऊपर है फ्रांस और अटलांटिक ओशन। तो ये है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर क्या है जो कनेक्ट करती है? इसके यहाँ पे अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे अंदर मेडिटेरेनियन सी है, इनको कनेक्ट करती है। ऊपर इसके स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के स्पेन है, मतलब यूरोप है, और नीचे अफ्रीका। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका, स्पेन एंड अफ्रीका, स्पेन और यहाँ पे ये जो कंट्री है मोरक्को है। तो स्पेन के बारे में पढ़ते हैं। स्पेन है की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। स्पेन के नेबर्स हैं फ्रांस, पुर्तगाल, एंड्रो और मोरक्को। प्रिंस ये एंड्रो जो कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। तो स्पेन के आसपास पुर्तगाल आता है, फ्रांस आता है, एंड्रो आता है, मोरक्को आता है, और उसके साथ साथ अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर मेड द रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री। फास्टेस्ट सेंचुरी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है मैं किसने बना दी है? कुशल माला, जॉन निकोल, लॉफ्टी एटन, डेविड मिलर, रोहित शर्मा। तो इसका ऑप्शन है जॉन निकोल, लॉफ्टी एटन। तो ये नामीबिया के प्लेयर है। तो नामीबिया के जॉन निकोल लॉफ्टी एटन ने फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी है T20 क्रिकेट की 33 बॉल्स में, अगेंस्ट किसके? नेपाल के, और कीर्तिपुर नेपाल में मैच हुआ। तो नामीबिया ये किसकी कंट्री है? ये अफ्रीकन कंट्री है। विंडोक इसकी कैपिटल है। अंगोला, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, लिसोथो इसके आसपास नेबरिंग कंट्रीज हैं। अटलांटिक ओशन टच करती है ये कंट्री। तो नामीबिया के जॉन निकोल लॉफ्टी एटन ने फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी हुई है 33 बॉल्स में अगेंस्ट नेपाल, कीर्तिपुर नेपाल में। नामीबिया जो है एक कोस्टल कंट्री है साउथ अफ्रीका की। फास्ट बॉलर नेल वैगनर रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? इस फ्रॉम विच कंट्री? न्यूजीलैंड। तो
नेक्स्ट अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की मैप में। ये देखिए, ये है न्यूजीलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है कौन सा? तस्मानसी। तस्मानसी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे है। न्यूजीलैंड जो कंट्री है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आप देख रहे हो काटती है। तो विच लाइन इक्वेटर ऊपर जाती है, विच लाइन कट्स ऑस्ट्रेलिया, विच लाइन कट्स ऑस्ट्रेलिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आर सेपरेटेड बाय तस्मान सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूजीलैंड लाइज बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो न्यूजीलैंड कैपिटल इज वेलिंगटन, करेंसी डॉलर। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आर सेपरेटेड बाय तस्मान सी। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, क्रिस्टोफर मार्क इज द न्यू पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट हैज द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीइंग इंस्टॉल्ड। वर्ल्ड वैदिक फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल हुई है किस स्टेट में? तो ये देखिए, ये है बिल्डिंग, इसमें ऊपर टाइम दिया होगा वैदिक टाइम 1208-01, फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया है, फिर उसके बाद जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम दिया हुआ है। तो ये वैदिक क्लॉक, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? इस स्टेट में, मध्य प्रदेश की उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। ये है वॉच, आदित्य, ब्रह्मा, अश्विनी, त्रिगुणा, चतुर्वेदा, इस टाइप की। तो फर्स्ट वैदिक वैदिक ईरा कब से कब तक है? 1600 से 600 BC तक। वैदिक ईरा में जो कुल का हेड होता है उसको क्या कहते हैं, मैं मेंशन करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द वैदिक क्लॉक इन उज्जैन, वैदिक क्लॉक इन उज्जैन एज ए पार्ट ऑफ विक्रमोत्सव सेलिब्रेशन इन मध्य प्रदेश। तो उज्जैन में एक टोटल ज्योतिर्लिंग आपको पता है 12 है। महाकलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? उज्जैन में है और सिचुएटेड है ऑन द रिवर, कौन सी रिवर पे? रिवर शिप्रा पे। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। In which Indian state has the world first Vedic clock being installed? Madhya Pradesh. Next question is Central Board of Film Certification. Where will be new regional office of Central Board of Film Certification be established? Chandigarh, Shimla, Srinagar, Jaipur. So Central Board of Film Certification की बात करें तो इसके chairman हैं Parsoon Joshi और CEO Samita Watts Sharma. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कब बना था? 15 जनवरी 1958 में, 51 में, और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। और किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कब बना था? 15 जनवरी 1951 में, हेड क्वार्टर मुंबई में है। मुंबई इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सालसेटे रिवर। किस ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है ये? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कौन है मिनिस्टर इसके? अनुराग ठाकुर। तो वेयर विल बी न्यू रीजनल ऑफिस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बीइंग एस्टैब्लिश्ड? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनजीओ डे की बात करें तो इस साल का थीम रहा बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर। बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दे सोशल एंटरप्रेनर थे मार्कस लियोरस स्कैडमेनिस, इन्होंने इसको फाउंड किया था वर्ल्ड एनजीओ को 2009 में, और 27 फरवरी 2014 से ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड एनजीओ डे। कब आता है? 27 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? तो इंडिया ने सेम रैंकिंग है इंडिया की जो पिछले साल थी, 42nd। तो टॉप थ्री इकोनॉमीज कौन कौन सी रही? यूएसए 95.48%, यूके 90, मतलब टॉप थ्री इकोनॉमीज आपको पता होना चाहिए, यूएसए, यूके और फ्रांस। इंडिया की 42nd पोजीशन है। टोटल इवेलुएट कंट्रीज में 55 कंट्रीज, इंडिया की परसेंटेज ओवरऑल स्कोर है 38.64। और कौन रिलीज करता है ये? यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
ट्वेल्थ एडिशन था ये। तो इंडिया की क्या रैंकिंग रही इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स राइट में? 42nd। टोटल कितनी कंट्रीज की इवेल्युएट किया? 55 कंट्रीज। इंडिया का स्कोर क्या रहा? 38.64%। कौन रिलीज करता है ये? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कौन सा एडिशन था ये? ट्वेल्थ एडिशन। टॉप थ्री में यूएसए, यूके और फ्रांस। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज लॉन्च वन तारा? वन तारा, वन वन हुआ फॉरेस्ट और तारा हुआ स्टार। स्टार ऑफ द फॉरेस्ट इनिशिएटिव फॉर एनिमल वेलफेयर। तो किसने ये किस कंपनी ने लॉन्च किया ये वन तारा? रिलायंस ग्रुप ने। तो वन तारा प्रायोरिटीज कोलेबरेशन किस किस इंस्टीट्यूशन के साथ कोलेबरेट करेगा? ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? दिल्ली में है। असम का स्टेट जू, नागालैंड का जूलॉजिकल पार्क, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क अहमदाबाद गुजरात। किसने दिस प्रोग्राम स्पीरहेड बाय अनंत अंबानी एम टू क्रिएट ए नेशनल एंड इंटरनेशनल मैक एनिमल वेलफेयर? रिलायंस ने लॉन्च किया वनतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? सचिन जैन, डेविड टेट, टेरी हैमन, हेलन मेन। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कब बनी थी? 1987 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूके में। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का है ये मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गोल्ड इंडस्ट्री। गोल्ड रिजर्व एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में कौन है टॉप पे? यूएसए, फिर जर्मनी। गोल्ड रिजर्व पर यूएसए, फिर जर्मनी, फिर इटली। चाइना का नंबर है 6th और इंडिया का नंबर है 9th वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो वर्ल्ड काउंसिल के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं सचिन जैन। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।